भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर एक नए अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने 5 जून यानी कि कल फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री बैरी बूच विलमोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर कैप्स्यूल पर उड़ान भरी। बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट नामक यह मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रेगुलर क्रू फ्लाइट के मद्देनजर स्टारलाइनर को प्रमाणित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर ये मिशन सफल रहा तो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के बाद स्टारलाइनर को अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में लैब से लाने और ले जाने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान बना देगा। सुनीता विलियम्स के लिए ये उड़ान उनके कैरियर में एक और मील का पत्थर है। इससे पहले सुनीता विलियम्स ने 2006 से 2007 और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिशन के दौरान महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक और स्पेस वॉक टाइम यानी कि 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। स्टारलाइनर कैप्सूल उड़ान भरने के लगभग 26 घंटे बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करने का प्रयास करेगा, जिसमें सुनीता विलियम्स विलमोर और आउटपोस्ट के लिए 500 पाउंड से अधिक कार्य होंगे। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर लगभग एक सप्ताह तक रहेंगे। इस दौरान वह स्पेस स्टेशन पर जरूर परीक्षण करेंगे। बता दें कि सुनीता विलियम्स और विलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने अभियान जारी रखेंगे। स्टारलाइनर पर उनका मिशन कमर्शियल पार्टनरशिप के माध्यम से अंतरिक्ष तक मानवता की पहुंच का विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि साल 2012 में सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में ट्राइथलन पूरा करने वाली पहली महिला बनी थी। इस दौरान उन्होंने भारोत्तोलन मिशन का उपयोग करके तैराकी का अनुकरण किया और हॉर्नेट्स में बंधे हुए ट्रेडमिल पर दौड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।